अध्याय 15। तब यरूशलेम से कितने फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पुरोहितों की रीतियों को क्यों टालते हैं? वे बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी रीतियों के कारण परमेश्वर की आज्ञा क्यों टालते हो? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वो मार डाला जाए। पर तुम कहते हो, यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वो परमेश्वर को अर्पित किया जा चुका है, तो वो अपने माता पिता का आदर न करे। सो तुमने अपनी रीतियों के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में ये भविष्यवाणी ठीक ही की है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। और उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये वचन सुनकर ठोकर खाई है? उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं। अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। ये सुनकर पतरस ने उससे कहा, ये दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझ हो? क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता वो पेट में पड़ता है और संडास में निकल जाता है? पर जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि कुचिंता, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। ये ही हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के देशों की ओर चला गया, और देखो उस देश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्ला कर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। उसके चेलों ने आकर उससे विनती कर कहा, इसे विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती आती है। उसने उत्तर दिया, इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और उसे प्रणाम कर कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। यीशु वहां से चलकर गलील की झील के पास आया और पहाड़ पर चढ़कर वहां बैठ गया, और एक बड़ी भीड़ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और बहुत औरों को लेकर उसके पास आई और उन्हें उसके पांव पर डाल दिया। उसने उन्हें चंगा किया, सो सब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टुंडे चंगे होते और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, तो अचंभा करके इसराइल के परमेश्वर की बढ़ाई की। यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाएं। चेलों ने उससे कहा, हमें इस जंगल में कहां से इतनी रोटियां मिलेंगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त कर सके? यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उन 7 रोटियों और मछलियों को ले धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया, और चेले लोगों को। सो सब खाकर तृप्त हो गए
और बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़ 4,000 पुरुष थे। तब वो भीड़ को विदा कर नाव पर चढ़ गया और मगदन देश के सिवानों में आया।